इस भागवत को पीना है ताकि आपके हृदय में ये व्याप्त हो जाए, आपके शरीर के एक एक अंग में ये व्याप्त हो जाए, फिर कभी आप इसे निकाल ना सके। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस का पान करना है। कब तक करें? कहा आलयम लय पर्यंतम, जब तक जो है, लय का अर्थ लोग कई लोग करते हैं मृत्यु पर्यंत, जब तक जीवन रहे तब तक भागवत सुनते रहना। कुछ लोग लय का अर्थ करते हैं कि जब तक प्रलय ना हो जाए तब तक सुनते रहना है, लेकिन हमारा विचार तो यह है कि जब तक परमात्मा में लय ना हो जाए, परमात्मा में खो ना जाए। एक जगह लिखा है पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा, पियो पियो। कब तक पिए? कहा जब तक शरीर में होश रहे तब तक पियो, और जब अचेत होके गिर गए तो कोई बात है ही नहीं। देखो यहाँ वो पीने की बात, अन्यथा मत लेना, नहीं तो कौन मंच से कहा गया था कि पियो। तो कहते हैं पियो पियो, कब तक पियो? कहा जब तक होश रहे तब तक पियो, और जब अचेत होकर के गिर गए तो कोई बात नहीं, अब अगर फिर से होश आ जाए तो फिर पियो। पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा, कहने का मतलब ये भागवत रस का पान करो। और कब तक पान करें? का कहा जब तक संसार का बोध रह जाए, जब तक शरीर का बोध रह जाए तब तक पीते रहो, और जब संसार का शरीर का बोध ना रह जाए, उस परमात्मा में खो जाए, जब ये स्थिति बन जाए कि जित देखो तित श्याम मई, जहां भी दृष्टि जाए वहां परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे, कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे, तब फिर पीने की आवश्यकता नहीं। और एक बात और बताएं, पुनर्पीत्वा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नशा उतर गया तो इसका मतलब आपने पिया ही नहीं। ये ऐसा नशा होता है भक्ति का, प्रेम का ऐसा नशा होता है कि जब एक बार चढ़ गया तो कभी उतरता ही नहीं है, चाहे कितने जन्म हो जाएं, लेकिन ये किसी भी जन्म में भी उतरता नहीं। एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, लेकिन फिर भी कहा कि कदाचित उतर जाए तो फिर से पियो। तो पिबत भागवतम रसमालयम, आलय पर्यंत, जब तक आप खो ना जाए उस परमात्मा में तब तक इस रस का पान करो। अच्छा, इस श्रीमद् भागवत रस का पान करने के लिए केवल दो व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया है। कितने लोगों को? दो को। किसको किसको? तो कहा रसिका, कहते हैं व्यास जी, कहते हैं हे रसिक गणो, रसिक भागवत रस के रसज्ञ हैं, रस की महिमा को जानने वाले हैं, जो भगवान के रस भागवत रस को पान करके उन्मत्त हो चुके हैं, जो बिना रस पिए एक क्षण नहीं रह सकते, ऐसे रसिक गणों को कहा आओ और पान करो। और दूसरा भावुका, कहा जो भावुक है, भावुक का मतलब भगवान के चरित्र श्रवण करते ही, भगवान की याद आते ही जिनका हृदय द्रवित हो जाता है, जिनके आंखों से अश्रुपात होने लगता है, जिनका रोमांच हो जाता है, जिनका गला गदगद हो जाता है, बाड़ी नहीं निकल पाती, कहा ऐसे जो भावुक लोग हैं उनको कहा आओ और आकर के ये श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करो। अब यहां श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ में
श्रीमद्भागवत के 6 प्रश्न किया गया। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत में दिया जाएगा। बड़े ध्यान से ये 6 प्रश्नों को आप लोग श्रवण करें। शौनक जी ने पूछा, किम श्रेया शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतार चा धर्म कम शरणम गता। पहला प्रश्न किया कि श्रेय क्या है, किम श्रेय अर्थात जीव का परम कल्याण कैसे हो सकता है ये बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा कहा शास्त्र सारा कहा, सारे शास्त्रों का सार क्या है, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सिद्धांत क्या है, आप वो बात मुझे बताइए। तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान का अवतार किस प्रयोजन से होता है, भगवान किस लिए अवतार धारण करते हैं। चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, परमात्मा करता क्या है, उसका क्या कर्म है, क्या करता है परमात्मा। पांचवा प्रश्न किया, के अवतारश्चा, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए और उन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं किया। और अंतिम प्रश्न किया, छठवां प्रश्न, धर्म कम शरणम गता, धर्म क्या है और किसके आश्रित रहता है, इसका आश्रय क्या। ये 6 प्रश्न पूछने के बाद श्री सूत जी ने विपरीत क्रम से उत्तर दिया है। 6वें प्रश्न का उत्तर पहले दिया, जिस क्रम से सूत जी उत्तर दिए उसी क्रम से हम भी दे रहा हूं। बड़े ध्यान से यहां सुनिए कि धर्म है क्या। सामान्य धर्म और विशेष धर्म दो होते। सामान्य धर्म देखो, विशेष जो धर्म होता है यह तो निःश्रेयस अभ्युदयश्च सिद्धि साधर्म, जिससे इस लोक में आपकी उन्नति हो, दूसरे की हानि हो रही, आपकी उन्नति हो रही, जो धर्म नहीं है, आपकी भी उन्नति हो दूसरे की भी हानि ना हो। तो कहा, जिससे इस लोक में आपकी उन्नति हो और मरने के बाद परम लोक की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाए, वही धर्म। ये तो हो गया विशेष धर्म। अब देखिए सामान्य धर्म को बड़े ध्यान से सुनिए, ये परम धर्म क्या है, मनुष्य मात्र का एक धर्म, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। कहते हैं, सावै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहै तो क्या प्रतिहता यजात्मा सम प्रसीदति। कहते हैं सावै पुंसाम परो धर्म, मनुष्य मात्र का केवल एक ही धर्म है, मनुष्य मात्र का केवल एक धर्म है, क्या, अहो यतो भक्ति रधोक्षजे, जिससे उस परमात्मा के चरणों में परम प्रेम हो जाए, जीव परमात्मा का हो जाए, कहा वही परम धर्म है। यहां पर यह नहीं कहा गंगा स्नान करना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है, माला जपना धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहा जिससे उस परमात्मा के चरणों में अखंड भक्ति हो जाए, अखंड प्रेम हो जाए, वही धर्म। लेकिन वो अखंड भक्ति कैसी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 3 विशेषण दिया,
कहा अहैतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। कहा परमात्मा के चरणों में अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए, अहैतुकी मतलब बिना किसी चाह के भक्ति होनी चाहिए। पुत्र चाहिए इसलिए हम माला जप रहे, धन चाहिए इसलिए हम पूजन कर रहे हैं, संसार में यश चाहिए इसके लिए हम पूजन कर रहे हैं, तो वास्तव में यह भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? बिना किसी चाह के भक्ति होना चाहिए, स्वाभाविक भगवान से प्रेम होना चाहिए, ये भक्ति अहैतुकी भक्ति कहते हैं इसको। हम आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं राजस्थान की, अभी को समय इसी कलयुग की बात। एक गृहस्थ महात्मा थे, गृहस्थ संत, पहले भी हम बहुत सुनाए हैं इसको। एक गृहस्थ संत थे, पति पत्नी थे, एक पुत्री, पुत्री बड़ी हो गई, उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद 12 वर्ष व्यतीत हो गए, वो संत जी पुत्री के घर नहीं गए। क्यों? उनको समय नहीं मिलता था, बस माला जपती रहती, माला जपती रहती निष्काम भाव से। 12 वर्ष व्यतीत हो गया, एक दिन पत्नी उनसे कहने लगी, अरे तुम्हारा हृदय तो बड़ा कठोर है, पत्थर का हृदय। कहा क्यों? कहा बताओ, 12 वर्ष हो गया, वो आज तक हमको ये पता भी नहीं है कि हमारी पुत्री जीवित है कि तुम गई नहीं कभी। तो कहा तो क्या करें? कहा एक बार वहां जाके पता तो करो कि क्या हाल चाल है। तो संत जी ने कहा ठीक है जा रहा हूं। पहले इतने वाहन नहीं होते थे, वो संत जी पैदल ही वहां से पुत्री के घर चल दिए। 2 दिन में पुत्री के घर पहुंचे, एक घास फूस की झोपड़ी में पुत्री रहती थी, उसने दूर से ही देख लिया कि पिताजी आ रहे हैं। अब 12 साल बाद वो पहली बार आ रहे पिताजी, तो पुत्री का हृदय बड़ा द्रवित हुआ और वह प्रेमा बेश में आकर के दौड़ पड़ी, आगे जाकर के पिता से लिपट गई, रोने लगी। पिता ने धीरज दिलाया, सिर पर हाथ फेरने लगे, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, अब तो हम आ गए ना, मत रो करके चुप कराया। जैसे तैसे पुत्री को फिर पिता को लेकर के वो झोपड़ी में गई, एक साधारण सा कुश का आसन था का बिछा दिया, बैठिए पिताजी। अब पिताजी बैठ गए उस पर, बगल में वो पुत्री भी बैठ गई। पुत्री पूछने लगी, माताजी का क्या हाल है? आस पड़ोस का पूछना चाहा तो पिता ने कहा, बेटी पहले तो कुछ खिला दे, फिर हम सबका हाल चाल बताएंगे, पहले कुछ खिला दे। सच कह रहा हूं, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आपको 2 दिन हुआ और हमारे बच्चों को 4 दिन हो गया, सच कह रही हूं कि उनको कुछ भी खाने को नहीं मिला। पहले गरीबी थी ऐसी स्थिति, तो कहा हमारे बच्चों को 4 दिन हो गया, कुछ भी खाने को नहीं मिला, सच कह रही हूं घर में एक कटा दाना भी नहीं हमारी। पिता ने चारों तरफ देखा, एक कोने में चूल्हे पे बटलोई में कुछ चढ़ा था। कहा तो झूठ बोल रही है, बटलोई में कुछ पक रहा है। बेटी ने वो ढक्कन उठा करके दिखाया, कहा देखो पिताजी सच कह रही हूँ, इसमें कुछ नहीं है, हम तो अपने बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए चूल्हे पर बटलोई चढ़ा रखा है कि वह खेलने गए हैं, आएंगे तो कह देंगे कि ये बन रही है खिचड़ी, अभी अभी थोड़ी ठंडी हो जाए तो खाने को देंगे, ऐसा बहलाने फुसलाने के लिए चढ़ा रखा है, लेकिन सच कह रही हूँ इस बटलोई में कुछ नहीं। पिता ने झोपड़ी में चारों तरफ देखा, वास्तव में कुछ भी नहीं था। तब तक उसके बच्चे आ गए, 2 पुत्र 1 पुत्री,
अब 12 साल विवाह का हुआ तो कोई 8 साल, कोई 6 साल, कोई 4 साल ऐसे बच्चे थे। आकर के कोई माता की चोटी पकड़ के खींचने लगा, कोई धोती पकड़ के गोद में चढ़ने लगा, कोई हाथ पकड़ करके खींचने लगा, माँ कुछ दे दे, माँ भूख लगी है, ऐसे कह करके बच्चे रोने लगे। अब वह माता, माता मतलब वो बेटी, वो जो है अपने बच्चों को सिर पर हाथ फेरे, गले से लगाने ले, धीरज धीरज धीरज, यह देख करके जो है वो महात्मा का हृदय, महात्मा का हृदय द्रवित हो गया और बड़े जोर से दोनों भुजा उठा करके पुकारा, प्रभु। तपस्वी संत थे, जब भगवान को पुकारा दोनों भुजाएं उठा करके, भगवान प्रकट हो गए। भगवान सामने आए, कहा संत जी तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, हम सब कुछ दे देंगे। संत ने कहा मुझे तो प्रभु कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस बेटी को कुछ दे दो, इसका दुख नहीं देख पा रहा हूं, कुछ दे दो। भगवान ने उस पुत्री से कहा बेटी तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग ले, हम सब कुछ दे देंगे। बेटी सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, कहा प्रभु देने से पहले एक बात बताओ, जो प्रेम आज आपका हम पर है, जो कृपा आज आपकी हम पर है, वो कुछ देने के बाद रहेगी कि नहीं? कुछ देने के बाद वो रहेगी कि नहीं? भगवान ने कहा बेटी या तो तू संसार मुझसे ले ले, या तो हमारा प्रेम ले ले, तुम्हारी इच्छा। बेटी ने कहा अभी तो 4 दिन हुए हैं, अगर 40 दिन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपकी कृपा छोड़ करके, आपका प्रेम छोड़ करके हम संसार नहीं चाहते। इसका का इसको कहते हैं निष्काम भक्ति, अहैतुकी भक्ति। तो कैसी भक्ति होनी चाहिए? बिना किसी चाह के भक्ति होनी चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए भगवान का। फिर दूसरा कहते हैं आप्रतिहत भक्ति होनी चाहिए। आप्रतिहत का मतलब, प्रतिहत का मतलब खंड खंड होना। एक घंटा सुबह जब कर लिया, फिर एक घंटा शाम की कर लिया, दिन भर गप सप में लगे रहे, विषयों की चर्चा करते रहे, इसका नाम खंड खंड भक्ति। तो कहा कैसी भक्ति होनी चाहिए? अप्रतिहत होनी चाहिए। एक बार हृदय द्रवित हो जाए और द्रवित होने के बाद आंखों से जब जो है अश्रुधारा बहे तो वो रुके ही ना, निरंतर भगवान के चरणों में बहती जाए, बहती जाए वो धारा, मानो भगवान को ही बहा ले जाएगी, ऐसी धारा बहनी चाहिए। एक बार भगवान के प्रति जो है हृदय में चाह उठे तो वो चाह कभी मिटे ना, फिर सदा चाह बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, दर्द बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इस स्थिति का नाम जो है अप्रतिहत भक्ति। तीसरा कहते हैं यजात्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए वही परम धर्म है। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा किससे प्रसन्न होती? आप कहेंगे कि सुंदर सुंदर खाने को मिल जाता है, आत्मा खुश हो जाती है। बहुत सारा धन मिल जाता है तो आत्मा खुश हो जाती है। या अपने कोई सुहृद गण मिल जाए तब आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो क्या यही परम धर्म है? नहीं। वास्तव में विचार करके देखो तो
सुंदर सुंदर खाने को मिलने से आत्मा कभी प्रसन्न नहीं होती। कौन होता है? मन प्रसन्न हो जाता है और हमको लगता है आत्मा प्रसन्न हो गई, लेकिन मन होता है प्रसन्न। बहुत सारा धन मिलने से आत्मा प्रसन्न नहीं होती। कौन होता है? मन प्रसन्न होता है। अपना कोई सुहृद गण मिल जाता है, प्रेमी मिल जाते हैं, तो मन प्रसन्न होता है, आत्मा कभी प्रसन्न नहीं। आत्मा का प्रसन्न होती। तुलसीदास जी ने कहा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, अजिमि हरि शरण न एकउ बाधा। जब ये जीव परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, तब ये आत्मा सुखी होती है, उसके पहले कभी सुखी नहीं होती। कबीर दास ने लिखा है, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक गए शीश। इस आत्मा को, जीवात्मा को सुंदरी कहा। ये कब तक कुंवारी रहती है? कहा, जब तक उस परमात्मा का वर्णन नहीं कर लेती तब तक ये कुंवारी रहती। आप कहेंगे, यहां जो ये विवाह होता है ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये एक गुड्डा गुड्डी का खेल है। क्या है ये? गुड्डा गुड्डी के खेल के अलावा कुछ नहीं है ये जो शादी विवाह है। वास्तव में आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ ही होता है। वह तभी सुखी होती है जब वो परमात्मा का वरण कर लेती है। जब तक परमात्मा की शरण में यह जीवात्मा नहीं पहुंचता तब तक सुखी नहीं होता। तो वही बात यहां कहते हैं, यह आत्मा सम प्रसीदति, जिससे यह आत्मा प्रसन्न हो जाए। अतः जिससे यह आत्मा उस परमात्मा की शरण में हो जाए, वही वास्तव में परम धर्म। एक श्लोक में परम धर्म का वर्णन कर दिया। फिर कहते हैं, धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यहां नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम। आपने जीवन भर तप किया, जीवन भर व्रत उपवास किया, जीवन भर दान दिया, यज्ञ यज्ञ आदि किया, लेकिन यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम, आपका सारे जीवन का मेहनत केवल मेहनत ही रह गई, उसका कोई फल नहीं। तुलसीदास जी ने भी यह बात कही, सबकर फल खग नाहक एहा अभजिय राम पद पंकज नेहा। चाहे यज्ञ हो, चाहे जप तप हो, चाहे कथा श्रवण हो, सारे सत्कर्मों का केवल एक ही फल है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए बस। अब ऐसा नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, कहते केवल मेहनत ही आपके हाथ लगी, बाकी कुछ नहीं। किसी ने पूछा कि आप कभी ब्रह्म कहते हो, कभी परमात्मा कह देते हो, कभी भगवान कहते हो, ये तीनों अलग अलग हैं कि एक ही है? तो यहां बताते हैं श्री सूत जी कि बदंति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कहते हैं जो अखंड अनंत तत्व है, अखंड अनंत ज्ञान है, वही परम तत्व है, और उसी परम तत्व को ज्ञानी लोग अपनी दृष्टि से ब्रह्म कह देते हैं। बृहत्वाद ग्रहणत्वाद च ब्रह्म, कहां कण कण में व्याप्त है वो परमात्मा, सब जगह व्यापक है वो परमात्मा, इस दृष्टि से ज्ञानी लोग उसको ब्रह्म कहते हैं। उसी ब्रह्म को योगी लोग, उपासक लोग परमात्मा कहते हैं। गीता के 15वें अध्याय में भी बताया, भगवान ने स्वयं यह बात कहा, द्वा
द्वा विमौ पुरुषो लोके चर चाक्षर एवचा क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कहते हैं दो पुरुष हैं, एक तो क्षर पुरुष है, क्षर क्षर पुरुष मतलब जिसका नाश होता है, और दूसरा अक्षर पुरुष है। नाश किसका होता है, कहा जैसे ये शरीर है, देखो ये शरीर का धीरे धीरे नाश होता है, अंत में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, तो इस शरीर को क्षर पुरुष कहते हैं, और इसमें रहने वाली जो जीवात्मा है उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अक्षर माने अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो। आप जानते हैं कि जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं इन दोनों पुरुषों से भिन्न एक पुरुष और है, उत्तम पुरुष कन्या परमात्मे की उदाहरण, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, यो लोकत्रय माविश्य विभर्तव्य आत्मा। कहते हैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष अर्थात शरीर और जीवात्मा से परे इससे उत्तम एक और पुरुष है जिसको लोग परमात्मा कहते हैं। तो इस तरह से योगियों की दृष्टि में, उपासक की दृष्टि में वही ब्रह्म परमात्मा है, और भक्त की दृष्टि में वही परमात्मा भगवान होता है। भक्त उसी परमात्मा को जब ऐश्वर्य से युक्त होकर के देखता है तो वो भगवान कहता है, तो वास्तव में वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, तीनों में कोई भेद नहीं, तीनों एक ही। सभी अपने मन को पवित्र करते हैं मीठे से भजन के साथ, बोलिए बांके बिहारी लाल की। Bhagwan ki mari, Bhagwan ki mari,
कहते हैं इसलिए एकाग्र मन से भगवान नारायण का ही ध्यान करना चाहिए, भगवान नारायण की ही कथा श्रवण करना चाहिए, उन्हीं के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। वास्तव में वही एक पूजनीय है। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि से पहले वही भगवान नारायण सहस्र शिरेखा पुरका सहस्राक्षा हजार भुजाओं वाले रहते, हजार पैर रहते हैं, हजार नेत्र रहते हैं। हजार के मतलब अनंत नेत्र हैं, अनंत भुजाएं हैं, अनंत पाद है। और उस परमात्मा के जब सृष्टि करने की इच्छा होती है तो उसी परमात्मा के नाभि से कमल निकलता है और ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। और जो भगवान नारायण के 24 अवतार होते हैं वो अवतार भी वास्तव में उसी परमात्मा से ही होते हैं। कहते हैं पहला अवतार भगवान ने सनत कुमारों का लिया। चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मखंडितम। कहते हैं सनत कुमारों के रूप में प्रथम भगवान अवतरित हुए और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप कर रहे।
दूसरा अवतार भगवान बाराह का हुआ। जब ये पृथ्वी रसातल को चली गई तब भगवान ने बाराह रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को का उद्धार किया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद का है, जो निरंतर अपनी बीड़ा पर भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते। चौथा अवतार भगवान नर नारायण का हुआ, माता मूर्ति के गर्भ से जो निरंतर बद्री विशाल क्षेत्र में तप कर रहे हैं। बद्री विशाल क्षेत्र गए हो तो आप देखेंगे अलकनंदा के जिस तरफ मंदिर बना हुआ है उस तरफ जो पर्वत है वो नारायण पर्वत है और सामने वाला जो पर्वत है वो नर पर्वत है। दोनों भाई आज भी तप कर रहे हैं, मानो ये बताना चाहते हैं कि यह मनुष्य शरीर तो केवल तप के लिए मिला हुआ है। जब हम बहुत छोटे थे तो एक महात्मा रहते थे गंगा किनारे, बिल्कुल दिगंबर भेष में, कभी एक सूत का धागा भी हमने उनके शरीर पर नहीं देखा कभी। बड़े तपस्वी थे वो। ठंडी के समय 4 महीने गंगा जी में खड़े हो जाते, इतने जल में, गले भर जल में, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते। सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक वो इतने जल में ठंडी में खड़े रहते। और अब वो क्या जब करते थे हमको पता नहीं, तब हमारा बचपना था, लेकिन वो खड़े रहते थे, ये हम देखते थे। बरसात के समय भीगे कपड़े पहन करके, भीगे कपड़े का मतलब ये कपड़ा नहीं था, बोरा, ये बोरा जानते हैं ना यार, हाँ, जिसमें गेहूं धान भरते हैं, उसको भिगोते थे। अब भिगो करके ऊपर से ऐसे रखते थे खोपड़ी पर, ऐसे पानी टपकता रहता था और ऐसे बैठे रहते थे। और गर्मी के समय में रेत में लेट जाते थे, सूर्य की तरफ मुंह करके लेट जाते, और जैसे जैसे सूर्य घूमता वैसे वैसे वो घूमते थे सूर्य अस्त तक, ऐसा हमने उनको देखा। हमारा बहुत बचपना था, माता जी रोटी कहती ले जाके देखे आओ उनको, तो रोटी देने के लिए उनको जाते। जब उनके पास जाते तो वो हिंदी में नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे, तो एक ही शब्द कहते थे, विप्रस्य शरीरम तपताय न तु भोगाय। कहते थे यह मनुष्य का शरीर तो तप के लिए मिला है, यह संसारिक सुख भोगों के लिए नहीं। उनके शरीर की चमड़ी ऐसे हो गई थी जैसे बैलों के कांधे की होती है ना, ऐसे चमड़ी हो गई थी पूरी, लेकिन मुख पर बड़ा तेज रहता था उनके, बड़े तपस्वी। एक उनकी हमने बड़ी अद्भुत घटना देखी, आंखों देखी घटना बता रहा हूं। पहले भी एक महामारी बहुत फैलती थी उस समय, उसको हम वहां की भाषा में कालरा कहते थे कि कालरा, हैजा फैला हुआ है। तो जब हैजा का रोग आता था तो गांव के गांव में सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते थे उस हैजा की बीमारी में। तो वहां बगल में एक गांव था, ब्राह्मणों का गांव, हैजा की बीमारी उसमें आ गई, लोग घबरा गए, आए उनके पास चरणों में गिरे, महाराज हैजा की बीमारी आ गई, आप बचाओ। वो महात्मा उठे चल दिए, उनके पीछे पूरा गांव चल दिया। अब बस एक नारा लगाते हुए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, गांव की एक परिक्रमा लगा करके फिर गंगा जी में बैठ गए वो। जितने व्यक्ति हैजा से मर चुके थे उसके बाद एक भी घटना नहीं हुई। और उन्होंने ये कहा कि 5 कोस तक अब जो है यहाँ हैजा का प्रभाव नहीं रहेगा, तो 5 कोस तक हैजा का प्रभाव नहीं पड़ा, ये आंखों से देखा हमने, ये तपस्या का फल। उनको नाम तो उनका कुछ और रहा होगा, लेकिन अवधूत स्वामी
हम लोग उनको अवधूत स्वामी के नाम से कहते थे, संस्कृत के बहुत विद्वान थे वह। तो यहां कहते हैं चौथा अवतार भगवान नर नारायण का हुआ, जो बद्री विशाल क्षेत्र में निरंतर तप करते रहे। पांचवा अवतार भगवान कपिल का हुआ, माता देवहूति के गर्भ से जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। छठवां अवतार माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय का हुआ, जिन्होंने प्रहलाद जी को आनबीच की विद्या का उपदेश दिया और अलर्क को भी आनबीच की विद्या का उपदेश दिया। सातवां अवतार रुचि प्रजापति के यहां आकृति माता के गर्भ से यज्ञ भगवान का हुआ। आठवां अवतार राजा नाभि के यहां ऋषभ देव का हुआ, जिन्होंने परमहंस मार्ग दिखाया। आज भी ये जैन लोग उनको अपना प्रथम तीर्थांकर मानते हैं, ऋषभ देव को। वो हमारे यहाँ आठवें अवतार है भगवान नारायण के। नौवां अवतार राजा पृथु का हुआ, जिन्होंने इस पृथ्वी को समतल बनाया और नगर ग्राम बसाया, जीने की कला सिखाई। दसवां अवतार भगवान मत्स्य का हुआ, आगे मत्स्य की कथा सुनेंगे। जब प्रलय काल हुआ था, उस समय मत्स्य के रूप में अवतरित होकर के भगवान ने नौका पर सप्तऋषियों को बैठा करके भ्रमण कराते रहे। ग्यारहवां अवतार भगवान कच्छप का हुआ, जब समुद्र मंथन के समय ये पर्वत समुद्र में डूबने लगा, मंदराचल पर्वत, तो भगवान कच्छप अवतार धारण करके अपना पीठ लगा लिया। ग्यारहवां अवतार कच्छप का हुआ और बारहवां अवतार भगवान धन्वंतरी का हुआ, वो अमृत लेकर के प्रकट हुए। तेरहवां अवतार मोहिनी का हुआ, मोहिनी रूप से भगवान प्रकट होकर के देवताओं और असुरों को मोहित किया। चौदहवां अवतार भगवान नरसिंह का हुआ, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। पंद्रहवां अवतार भगवान वामन का हुआ, जो बलि के यज्ञ में जा करके और तीन पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। सोलहवां अवतार भगवान परशुराम का हुआ, जिन्होंने हय हय वंशीय क्षत्रियों का 21 बार इस पृथ्वी से विहीन कर दिया। सत्रहवां अवतार माता सर सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का हुआ, जिन्होंने यह वेदों का विभाग किया, ब्रह्मसूत्र की रचना किया, महाभारत की रचना किया, 18 पुराणों की रचना की। नौवां 18वां अवतार भगवान राम का हुआ, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया, रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध किया और मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए यह बात भगवान राम ने बताई। 19वां अवतार भगवान बलराम का हुआ और 20वां अवतार भगवान कृष्ण का हुआ। 21वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ और 22वां अवतार कलयुग के अंत में, जब कलयुग 5000 वर्ष शेष रह जाएगा, तो भगवान कल्कि का होगा। इस तरह से 22 अवतार कहा गया, 2 अवतार इसमें नहीं कहा आज, लेकिन वर्णन भागवत में है। एक तो हरि अवतार, दूसरा हंस अवतार। हरि अवतार आगे आप चौथे स्कंद में सुनेंगे और हंस अवतार ग्यारहवें स्कंद में आप सुनेंगे।
इस तरह से 24 अवतारों का यहाँ वर्णन किया गया और अंत में एक बात कहा, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहा ये जितने भी अवतार हैं ये सब भगवान नारायण के अंश से अवतार हुए हैं, लेकिन दो अंश से नहीं है, दो अवतार नहीं है, अवतारी हैं, पूर्ण ब्रह्म है। कहा कौन? एक भगवान राम और दूसरे भगवान कृष्ण। कहा ये अवतार नहीं, अवतारी हैं, अर्थात पूर्ण ब्रह्म है। ये साक्षात पृथ्वी पर भगवान नारायण आए। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहा भगवान नारायण ही स्वयं कृष्ण रूप से इस पृथ्वी पर आए, इनको अंश नहीं मानना चाहिए। अब यहां बताते हैं, शौनक जी ने बीच में एक प्रश्न कर दिया, क्या कहा? कस्मिन युगे प्रभितेयम् हस्थाने वाके न हेतुना कुतः संचोति दाह कृष्णा कृतमान संहिताम् मुनिः। शौनक जी कहते हैं कस्मिन प्रभित, किस युग में, किससे प्रभित प्रेरित होकर के व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत की रचना किया, ये बात मुझे बताइए। किस युग में किया, किससे प्रेरित होकर के ये श्रीमद् भागवत की रचना किया, ये कथा हमें बताइए। कहते हैं और सुना है हमने कि श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद अपने पुत्र श्री सुखदेव को पढ़ाया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिंग निर्विकल्प का कहा, उनके पुत्र श्री सुखदेव जी तो महान योगी थे, सदा निर्विकल्प समाधि में रहते थे, समद्रिंग थे, समद्रिंग मतलब सब में परमात्मा का ही दर्शन करते थे। समाधि दो प्रकार की होती है, एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। घंटा दो घंटा, दस घंटा, महीना दो महीना, दस महीना, जिसमें समय निश्चित हो उसको सविकल्प समाधि कहते हैं, और जो एक बार लग जाए तो कभी वो समाधि टूटे ही ना, एक जैसा उसी स्थिति में बने रहे तो निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो कहा श्री सुखदेव जी तो सदा निर्विकल्प समाधि में रहते थे, फिर उन्होंने ये श्रीमद् भागवत की कथा कैसे श्रवण कर लिया, पढ़ा कैसे इसको? यहां तक कह दिया कि स्त्री कुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, श्री सुखदेव जी को तो स्त्री पुरुष का के भेद का भी बोध नहीं था, कौन स्त्री है कौन पुरुष है ये बोध श्री सुखदेव जी को नहीं था। वो तो सबको ब्रह्म रूप में ही देखते थे, सबको नारायण रूप में ही देखते थे, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कैसे अध्ययन कर लिया? दूसरी बात, सा गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह में जिनाम, कहा वो तो गृहस्थों के घर में केवल उतनी देर के लिए जाते थे जितनी देर में गाय दुही जा सके, केवल लिकाय सन्यासी को गृहस्थ के दरवाजे मात्र 6 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए, इससे अधिक समय गृहस्थ के दरवाजे पर सन्यासी को नहीं रुकना चाहिए। तो कहा फिर उन्होंने ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया, ये जरा मुझे बताइए। एक संशय और हो रहा है, कहा कि जो राजा परीक्षित थे सा सम्राट कस्य हेतु पांडु नाम मानवर्धन का, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया था और गंगा के तट पर चले गए थे।